Friends, welcome back to GPAT 2024 Crash Course by KP's Pharmacopoeia. In today's session, हम पढ़ने वाले about bioavailability and उसके types. Because it is one of the most important topic from your GPAT perspective and also from your career perspective. Because जब भी आप interview देने जाओगे, आपको bioavailability के ऊपर questions पूछे जाएंगे. और बायोबिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर ही जीपैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम देखने वाले हैं. तो बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या? सो बायोबिलिटी के दो मेन पैरामीटर से जो हम मेजर करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर है कि रेट, हम रेट मेजर करते हैं. और सेकेंड पैरामीटर है जिसमें हम एक्सटेंट मेजर करते हैं. अभी ये दो पैरामीटर्स हम किस चीज के मेजर करने वाले हैं? So basically, we measure rate and extent of unabsorbed drug or unchanged drug. So हम क्या करने वाले हैं? कौन सा भी ड्रग हम जब मेडिसिन लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन हम मेजर करने वाले हैं दो पैरामीटर्स के ऊपर. फर्स्ट पैरामीटर इज रेट, हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेजर करेंगे. और सेकेंड हम मेजर करेंगे एक्सटेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग getting absorbed in systemic circulation, that is blood. Systemic circulation मतलब blood में कितना absorption हो रहा है. वो जब हम measure करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस drug की bioavailability क्या है. Bioavailability simple शब्दों में कहा जाए तो कितना amount of drug is available in our blood or systemic circulation, उसे हम कहेंगे bioavailability. So, उसके डेफिनेशन है कि बायोबिलिटी इज डिफाइन एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म. सो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास पैरासीटामोल की टैबलेट है 500 mg. वो मोस्टली मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो हर एक इंडिविजुअल लेता है. तो हम जब पैरासीटामोल टैबलेट लेंगे तो वो जाएगा पहले स्टमक में, करेक्ट? स्टमक में जाने के बाद उसका क्या होगा? उसका होगा डिसइंटीग्रेशन एंड उसका होगा डिसोल्यूशन, करेक्ट? अभी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होने के बाद जो पैरासिटामोल ड्रग है, जो पैरासिटामोल ड्रग रहेगा, वो ड्रग जाएगा एब्जॉर्प्शन होने के लिए. सो उस ड्रग का होगा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड, समझ में आया? या प्लाज्मा हम कह सकते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म मतलब क्या रहेगा? पैरासिटामोल टैबलेट. उस डोसेज फॉर्म से कितना ड्रग जा रहा है हमारे ब्लड में, वो बताएगा बायो अवेलेबिलिटी कितनी है. अभी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेंगे टैबलेट का और हम लेंगे इंजेक्शन का. अभी इंजेक्शन हम डायरेक्टली ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग पहुंचाता है. तो इसीलिए कौन सा भी इंजेक्शन का बायो अवेलेबिलिटी रहेगा 100%, बिकॉज हम डायरेक्टली ड्रग वी आर सेंडिंग इट इन आर सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब भी हम पैरेंटरल डोसेज फॉर्म की बात करेंगे, जैसे आईवी इंजेक्शन हो गया, उसका बायो अवेलेबिलिटी रहेगा 100%, बिकॉज आईवी रूट हम डायरेक्टली ड्रग को भेज रहे हैं इन ब्लड, करेक्ट? इसीलिए उसका बायो अवेलेबिलिटी रहेगा 100%. मगर हम जब वही पैरासिटामोल टैबलेट, पैरासिटामोल इंजेक्शन दिया तो वो डायरेक्टली 100% ड्रग गया ब्लड में. मगर जब हम पैरासिटामोल टैबलेट लेते हैं तब टैबलेट पहले जाएगा स्टमक में. स्टमक में से उसका एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जाएगा लिवर में. उधर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगा. तो इसीलिए साइट ऑफ एक्शन में जो ड्रग जाएगा वो बहुत कम परसेंटेज में जाएगा. तो इसीलिए ओरल रूट से जब भी हम ड्रग लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है एज कम्पेयर टू आईवी रूट. अभी आईवी रूट से कम रहेगी ओरल रूट में,
ओरल रूट से कम रहेगी रेक्टल रूट में, और सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी रहती है टॉपिकल रूट से, बिकॉज जब भी हम स्किन से कौन सा भी मेडिसिन लेते हैं तो उसको बहुत सारी मेम्ब्रेन पास करके उसे ब्लड सर्कुलेशन में जाके फिर उसको साइट ऑफ एक्शन में जाना पड़ता है, इसीलिए उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी एंड इसीलिए टॉपिकल रूट की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। अभी सेकंड है कि कौन सा डोसेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। मोस्ट बेसिक एग्जांपल सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में कौन सा भी ड्रग है मतलब ड्रग पहले ही डिजॉल्व फॉर्म में है, करेक्ट, सो अभी वो डिजॉल्व फॉर्म में है तो वो ड्रग मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली आसानी से, हम कहेंगे आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसीलिए सॉल्यूशन का बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इमल्शन, बिकॉज इमल्शन में रहते हैं ग्लोबुल्स, ऑयल इन वाटर इमल्शन या वाटर इन ऑयल इमल्शन, उसके कम रहेगा सस्पेंशन में। सस्पेंशन में ड्रग सोल्यूबलाइज नहीं रहता, जस्ट सस्पेंडेड रहता है, तो इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन कम रहेगा। और फिर रहेगा टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स जो सॉलिड डोसेज फॉर्म रहेंगे, हम इन्हें कहते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। ओके, सो कभी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म जैसे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद इमल्शन, फिर उसके बाद सस्पेंशन और आखिर में सॉलिड डोसेज फॉर्म का बायो अवेलेबिलिटी रहता है, ऐसा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सो हमेशा याद रखना, जब भी आपको पूछा जाएगा कि बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, आपको बताना है कि आईवी डोसेज फॉर्म की सबसे 100% रहती है, और अगर डोसेज फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन फॉर्म्स की सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहेगी, बिकॉज एब्जॉर्ब पहले ही ड्रग डिजॉल्व फॉर्म है, उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से होगा, इसीलिए उसकी एब्जॉर्प्शन बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अभी हमें दो पैरामीटर्स मेजर करने हैं, पहला है कि हमें रेट मेजर करना है और दूसरा है कि उसका एक्सटेंट अमाउंट मेजर करना है। तो अभी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन सी मैक्स एंड टी मैक्स। तो सी मैक्स और टी मैक्स है क्या, तो कभी भी हम जब ड्रग लेते हैं हमें एक प्लाज्मा प्रोफाइल कर्व मिलता है, हमें क्या मिलता है प्लाज्मा प्रोफाइल कर्व, उसे कहते हैं प्लाज्मा टाइम प्रोफाइल कर्व या प्लाज्मा टाइम प्लॉट। उसका मीनिंग क्या है कि ड्रग ब्लड में कैसे मूव करता है, कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर उसका एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, ये हमें पता चलेगा बेस्ड ऑन दिस प्लॉट जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इधर क्या है, फर्स्ट वाई एक्सिस पे है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे प्लाज्मा में, सो इट इज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन या ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, और एक्स एक्सिस पे है टाइम। सो टाइम के हिसाब से उसका ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन होगा मतलब इंक्रीज होगा, फिर उसका एलिमिनेशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बेस्ड ऑन दिस प्लॉट। सो जैसे आप देख सकते हो पहले ये टी जीरो है, जीरो टाइम पॉइंट, फिर जैसे एब्जॉर्प्शन होने लगा उसका इंक्रीज इंक्रीज हो गया एंड वी गॉट दिस मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा इन आर ब्लड, तो उसे बोलते हैं सी मैक्स, दैट इज मैक्सिमम सीरम और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, करेक्ट, तो इसे कहेंगे सी मैक्स, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा और सीरम। अभी टी मैक्स मतलब क्या, टी मैक्स मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज टी मैक्स, सो ये पॉइंट रहेगा आपका टी मैक्स। सो इस पॉइंट में सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 30 मिनट्स, एक ड्रग का 30 मिनट टी मैक्स है, मतलब 30 मिनट में उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा इन आर ब्लड सर्कुलेशन, तो उसे टी मैक्स कहेंगे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट पैरामीटर रहता है एयूसी, और सभी जो सी मैक्स टी मैक्स एयूसी है इन्हें क्या बोलते हैं हम, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या मेजर करते हैं, ए डी एम ई, ए डी एम ई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, करेक्ट, ए डी एम ई मेजर करते हैं। तो सी मैक्स टी मैक्स एयूसी आर द पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डिटर्मिनेशन,
अभी हम देखेंगे एओसी कैसे मेजर करता है। एओसी का मीनिंग क्या है? तो कभी भी हमें एक्सटेंट मेजर करना है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेजर करना है, तो हम डिटरमाइन करते हैं एओसी। एओसी मतलब एरिया अंडर कर्व। अभी आप इस ग्राफ में देख सकते हो इधर एओसी लिखा है। एओसी मतलब जो ये ग्रे पोर्शन है वो एओसी है। एओसी मतलब इतना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है इन आर ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी एओसी की भी दो पैरामीटर्स है, एओसी टी और एओसी इंफिनिटी। एओसी टी मतलब क्या? जीरो टाइम से, टी जीरो से टिल एक स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल टी जीरो से अगर हमने T1 आर कंसिडर किया, तो इस टाइम पीरियड में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग इज गेटिंग एब्जॉर्ब, ये हम डिटरमाइन करते हैं इन एओसी टी। और एओसी इन्फिनिटी मतलब टिल दी एंड ऑफ दी, मतलब एलिमिनेशन होने तक, आखिरी ड्रग का अमाउंट जो आएगा उस टाइम तक जब हम मेजर करेंगे उसे बोलते हैं एयूसी इन्फिनिटी। टाइम जीरो टू टाइम इन्फिनिटी मतलब एलिमिनेशन होने तक हम जब एयूसी डिटरमाइन करेंगे उसे कहेंगे एयूसी इन्फिनिटी। तो इंडस्ट्री में एयूसी टी भी मेजर होता है और एयूसी इन्फिनिटी भी मेजर होता है। इन दोनों से हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे ब्लड में। करेक्ट। अभी इसके अलावा और बहुत सारे आपको इधर वर्ड्स दिख रहे हैं, लाइक एमटीसी, एमईसी, थेरापेटिक रेंज, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ टाइम, इसका मीनिंग क्या? तो लेट्स फाइंड आउट। अभी एमईसी, एमईसी मतलब मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एमईसी का मीनिंग क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एमईसी मतलब मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। इसके ऊपर अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में जाएगा तभी हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा, इसका ये मीनिंग है। मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर हमारा ड्रग का लेवल ब्लड में इसके ऊपर चला जाएगा तो ही हमें इफेक्ट मिलेगा, इसे कहते हैं एमईसी, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एमईसी मतलब क्या? मैक्सिमम थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, या इसे और एक वर्ड है एमएससी, दैट इज मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर एमटीसी के ऊपर ड्रग चला जाएगा हमारे ब्लड में तो हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है उस ड्रग से, इसीलिए दैट इज द मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन जो हम कंज्यूम करना कर सकते या करना चाहिए। उसके ऊपर चला जाएगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी विच विल बी हार्मफुल। करेक्ट। सो इसीलिए एमटीसी और एमईसी के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन रेंज है उसे कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज। तो इसीलिए हमेशा हमारा एम रहता है टू गेट दिस थेराप्यूटिक रेंज, कि इस थेराप्यूटिक रेंज का कॉन्सेंट्रेशन का स्ट्रेंथ हम बनाएंगे हमारे ड्रग के लिए, उसके ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज टॉक्सिसिटी हो सकती है। करेक्ट। तो इसीलिए दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें याद रख समझने चाहिए, एमईसी मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और एमएससी मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, और उन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हमें मिलता है थेरापियूटिक रेंज। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि एमएससी और एमएससी या एमटीसी के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन रेंज रहेगा उसे कहते हैं थेरापियूटिक रेंज। अभी सब थेरापियूटिक रेंज मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन बिलो एमईसी, अगर मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे अगर आपका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो उसे बोलेंगे सब थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इस कॉन्सेंट्रेशन में देयर विल बी नो थेराप्यूटिक इफेक्ट। करेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट तो हमें थेराप्यूटिक रेंज में ही मिलने वाला है। सब थेराप्यूटिक इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, और अगर मैक्सिमम थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन या मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर चला जाएगा तो हमें होगा टॉक्सिसिटी, उस ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी, उसे बोलेंगे टॉक्सिसिटी रेंज। अभी इसके अलावा देर इज ऑनसेट टाइम। ऑनसेट टाइम यहाँ पे है, ऑनसेट टाइम मतलब क्या? उस पॉइंट के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा अबव एमईसी, मैक्सिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उस टाइम के बाद हमें उस ड्रग का इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना चालू होगा, इसीलिए उसे कहते हैं ऑनसेट टाइम।
उस टाइम के बाद हमें उसका थेरापेटिक इफेक्ट मिलेगा, इसीलिए उसे कहेंगे ऑनसेट टाइम। अभी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप देख सकते हो इधर से इधर तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब सो दिस पॉइंट एंड दी ऑनसेट टाइम। सो इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब इस टाइम पीरियड में हमें थेरापेटिक इफेक्ट मिलने वाला है, इसीलिए हम उसे कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, करेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जीपैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज, हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा, उसे कहते हैं थेरापीटिक रेंज, करेक्ट। टॉक्सिक रेंज मतलब क्या, द कॉन्सेंट्रेशन विच इज अबव मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन या मैक्सिमम थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो उसे कहेंगे टॉक्सिक रेंज, थेरापेटिक रेंज मतलब कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन एमईसी और एमएससी। सो दिस वॉज अबाउट दी वॉट इज मीनिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, वॉट इज मीनिंग ऑफ रेट, वॉट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंट एंड वॉट आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ प्लाज्मा टाइम प्रोफाइल प्लॉट। अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और सेकेंड इज रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अभी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जब भी हम बायो अवेलेबिलिटी कौन से भी ड्रग का डिटरमाइन करेंगे विच इज टेकन बाय ओरल रूट, अगर हम कौन सा भी ड्रग ओरल रूट से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट लेते हैं, सो एग्जाम्पल लेते हैं पैरासीटामोल टैबलेट की, सो पैरासीटामोल टैबलेट हम ओरल रूट से लेंगे, करेक्ट। अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी हम कंपेयर करेंगे वर्सेस पैरासीटामोल आईवी, उसके कंपेयर करेंगे हम इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बिकॉज हमने पहले ही देखा कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम करते हैं तो हमें मिलता है 100% बायो अवेलेबिलिटी, इसीलिए हम अपने ओरल रूट से जो भी मेडिसिन लेने वाले हैं वी हैव टू कंपेयर विथ अ स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा 100% विच इज आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे ओरल रूट से आईवी रूट के साथ, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। अभी उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, सो एफ इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है, एयूसी ओरल इनटू डीआईवी मतलब डोज ऑफ इंट्रावेनस, डीआईवी मतलब डोज ऑफ इंट्रावेनस डिवाइडेड बाय एयूसी आईवी इनटू डी ओरल मतलब डोज ऑफ ओरल रूट। सो इस फॉर्मूले के साथ हमें मिलता है एब्सोल्यूट बायोबिलिटी। सो हम पहले एओसी ऑफ ओरल रूट देखेंगे, हम एओसी ऑफ आईवी रूट देखेंगे, वो डिवाइड करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आईवी को डोज कितना दिया है और ओरल रूट को डोज कितना दिया है। सो वो कैलकुलेट होने के बाद हमें मिलेगा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। अभी सेकेंड है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, हम हमारा ड्रग ले रहे हैं फ्रॉम ओरल रूट, अगर वो हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड के साथ ऑफ द सेम ड्रग, इट इज रेफर्ड एज रिलेटिव बायोबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पैरासीटामोल टैबलेट, ओके एग्जाम्पल लेते हैं क्रोसिन, ओके क्रोसिन एक ब्रांड नेम है पैरासीटामोल टैबलेट का, करेक्ट। हम इसकी बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर करेंगे विथ अ डिफरेंट पैरासीटामोल टैबलेट, करेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं कैलपॉल, ओके कैलपॉल। सो क्रोसिन के अगर हम कैलपॉल के साथ कंपैरिजन करेंगे, कैलपॉल अगर हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड और हम क्रोसिन कंसिडर करते हैं एज अ टेस्ट ड्रग, तो जब हम सेम ड्रग का सेम डोसेज फॉर्म दूसरे एक स्टैंडर्ड के साथ ऑफ सेम ड्रग सेम डोसेज फॉर्म कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे रिलेटिव बायोबिलिटी, बिकॉज हम उसमें रिलेशन फाइंड कर रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट प्रोडक्ट है उसकी बायोबिलिटी एज कंपेयर टू एक स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कितनी आती है, तो इसीलिए हम कहते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी।
अभी जब भी इंडस्ट्री में आप बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज करते हैं तब आपके पास एक स्टैंडर्ड ड्रग रहेगा, उसको कहते हैं रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड। और एक वर्ड है RLD, RLD मतलब रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, करेक्ट, RLD रेफरेंस लिस्टेड ड्रग। सो आपका जो टेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, आपका जो आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट रहेगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जब आप कंपेयर करोगे विद RLD रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, तो उस स्टडी को कहेंगे रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। उसका फॉर्मूला है FR। हाँ तो यहाँ पे इक्वेशन गलत कॉपी पेस्ट हुई है, सॉरी। सो FR इज इक्वल टू AUC ओरल डिवाइडेड बाय AUC रेफरेंस, और ड्रग रेफरेंस डिवाइडेड बाय ड्रग ओरल। सो ये करेक्ट फॉर्मूला रहेगा। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट बायोबिलिटी का ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है, तो करेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ आर विच इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ऑफ ओरल रूट, और ओरल कहेंगे या हम टेस्ट कहेंगे, हमारा टेस्ट ड्रग है टेस्ट, डिवाइडेड बाय AUC रेफरेंस इनटू ड्रग ऑफ रेफरेंस, दैट इज सॉरी डोज ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय डोज ऑफ आर टेस्ट ड्रग, तो इसको कहेंगे रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। सो ये था कंसेप्ट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी एंड उसके टाइप्स। अभी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी की मेजरमेंट कैसे होते हैं, हाउ वी डिटरमाइन बायो अवेलेबिलिटी, उसके दो तीन मेथड्स है, एक फार्माकोकाइनेटिक मेथड है, एक फार्माकोडायनेमिक मेथड है, उसके अंडर भी बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स है, तो वो हम देखने वाले सेशन 16 में। सो स्टे ट्यून।